गाजियाबाद यूपी विधानसभा चुनाव के तहत पीएम मोदी आज गाजियाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने सपा बसपा कांग्रेस के साथ तमाम विरोधियों पर हमला बोला। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यूपी में विकास का 14 साल का वनवास खत्म करना है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी किस्मत बदलने के लिए इस बार वोट करें। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने प्रदेश की अखिलेश सरकार से जनता को जवाब देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश। कानून व्यवस्था के मसले पर अखिलेश सरकार को घेरते हुए मोदी ने कहा कि यहां अखिलेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि यहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वह शाम के बाद घर से अकेले निकलने से भी डरती है। मोदी ने कहा कि सपा ने गुंडों को पाल कर रखा है। मोदी रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा कि यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बेटियां डर से स्कूल नहीं जाती। अखिलेश सरकार 5 साल के कामकाज का हिसाब दे, सपा ने गुंडों को पाल कर रखा है। कुछ दलों ने यूपी की राजनीति को जाति के जहर से भर दिया है। वो हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, हमारा समय आएगा तो हम जवाब देंगे। जब 2019 का चुनाव आएगा तो मोदी सबके सामने आकर हिसाब देगा। मुझे लगता था कि अखिलेश यादव पढ़ा लिखा लड़का है, ये विकास करेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी को बर्बाद किया। यह चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं, विकास का वनवास खत्म करने के लिए है। सपा सरकार ने 5 साल में यूपी का विनाश कर दिया। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने गुंडों को जेल में डाला था। यूपी में लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि यहां जातिवाद हावी है। हमारी सरकार बनेगी तो नौकरियों की भर्ती घोटाले की जांच कराएंगे। अगर सही सरकार आए तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का उत्तम प्रदेश बन सकता है। यूपी सरकार ने इंटरव्यू बंद करने की मेरी बात नहीं मानी, बंद होता तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। 1,80,00,000 गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन दिया है। मोदी को जितनी गाली देनी दो, लेकिन 5 मिनट अपने काम का हिसाब देने के लिए तैयार रहो। प्राधिकरणों का CAG से ऑडिट करवाएंगे, प्राधिकरणों के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। यूपी में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। सपा सरकार ने पिछले 5 सालों में जनता को निराश किया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।